छात्र संघ चुनाव की समय सीमा निकलने के बाद चुनाव ना कराने के फैसले से अल्मोड़ा के छात्रों में आक्रोश बढ़ गया है। छात्रों ने सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय में तालाबंदी की और नगर के मुख्य सड़क चौघान पाटा में जाम लगा दिया। आक्रोशित कुछ छात्र प्रशासनिक भवन की छत पर चढ़ गए। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने मुख्यमंत्री और उच्च शिक्षा मंत्री के खिलाफ नारेबाजी की। छात्रों का कहना है कि चुनाव कराना उनका अधिकार है और सरकार इससे रोककर उनके लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन कर रही है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष भूपेंद्र सिंह भोज ने सरकार पर छात्र राजनीति को समाप्त करने की साजिश बताया। भोज ने कहा कि कांग्रेस इस फैसले का विरोध करेगी और छात्रों के साथ मिलकर सरकार के खिलाफ आंदोलन चलाएगी। अल्मोड़ा से नसीम अहमद की रिपोर्ट। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम तीन दिनों से लगातार धरना प्रदर्शन में बैठ रहे हैं। प्रशासन का कोई भी व्यक्ति हमसे मिलने नहीं आया और नैनीताल हाईकोर्ट द्वारा हमारी मांग को पूरी तरह निरस्त कर दिया गया है। दो छात्र समुदाय और हम समस्त छात्र संगठनों द्वारा यह धरना प्रदर्शन किया गया है और जब तक हमारी मांगे पूर्ण नहीं होती तब तक यह धरना प्रदर्शन लगातार चलता रहेगा। चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, सरकार को हमारी मांगे सुननी होगी, क्योंकि छात्र संगठन ही है जो छात्रों की आवाज़ों को उठाता है। अगर छात्र ही नहीं होंगे, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा शासन चुनाव को जो निरस्त करने का काम किया गया है, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आज भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं, जो शिक्षा मंत्री हैं, वो खुद छात्र राजनीति से निकले हुए हैं। लेकिन आज बड़े दुर्भाग्य विषय है कि आज जो नई पीढ़ी है जो नेतृत्व करना चाहती है, उस नेतृत्व को दबाने का काम जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा किया जा रहा है, जिसे कांग्रेस पार्टी कतई सहन नहीं करेगी। और ऐसे जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसके खिलाफ जो है जन आंदोलन शुरू करने का काम करेगी।